और प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद आकिब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के लिए। सैयद, 10 बजे से 10:30 बजे के बीच आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था प्रधानमंत्री मोदी का, क्या कुछ अभी तक स्थिति सामने आ रही है, कितनी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी? अगर हम बात करें तो मोदी को आने में तकरीबन अभी कौन बताया जा रहा है कि 10:45 से 11 के बीच में प्रधानमंत्री का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर बमरौली पर, और उसके बाद वो संगम पे हेलीपैड पर दूसरे हेलीकॉप्टर से आएंगे, और उसके बाद वो आएंगे, और जो आज ये 1 बजे खाना हो जाएंगे। हालांकि आज एक बड़ा आयोजन है और आज का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि आज भारी संख्या में यहाँ दिव्यांग मौजूद रहेंगे और जिनको कार्यक्रम स्थल की जहाँ पर ये परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होना है वहाँ की क्या कुछ फिलहाल की स्थिति है? ये तैयारियां पूरी कर गई हैं और भी बन चुका है और मंत्री यहाँ पर आ भी चुके हैं। केशव प्रभारी कल ही योगी सूचना मिल रही है कि वो बमरौली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी का वो स्वागत है, और उसके बाद वो सीधे सभी लोग यहाँ पर आएंगे और हम भी वहीं पर मौजूद हैं। हालांकि वहां पर जैमर की समस्या थी तो हम बाहर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ठीक पीछे जो है बैरिकेडिंग भी लगाई गई है और यहाँ पर थोड़ा सा रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। तो बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो जल्द से जल्द प्रयागराज आए। तो कितनी देर कुल प्रयागराज में रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है, और दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाने के अलावा और क्या कुछ सौगात प्रयागराज दे सकते हैं सैयद, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए 10:50 पर समय बताया जा रहा है कि वो बमरौली से चल करके परेड ग्राउंड आएंगे और 11 बजे वो मंच पर आएंगे, और 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त वो मंच, और उसके बाद वो यहाँ से वो सीधा चित्रिय रवाना हो जाएंगे, और उसके बाद चित्तूर से भी वो। और अगर हम आज के कार्यक्रम की बात करा जाए तो आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो बांटने का ही है, जिसमें दिव्यांगों को 26,000 से ज्यादा जो दिव्यांग है उनको उपकरण बांटे जाएंगे, साथ ही साथ बुजुर्गों को भी बांटे जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो यही है, और 1.5 घंटे में वो क्या सौगात और दे सकते हैं कि अपने वो जब वो भाषण देंगे तो सैयद आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी बता दें आपको अब से कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं के बाद या फिर कहें कुछ ही देर के बाद प्रयागराज आ रहे हैं, और आज एक खास दिन भी है प्रयागराज के लिए, क्योंकि आज 26,000 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्गों को उपकरण बांटे जाएंगे। हम मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर, आप सीधे देखिए कि ये सीधा मंच यहाँ पर है, सजा हुआ है, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, साथ ही साथ यूपी के कई कैबिनेट के मंत्री रहेंगे, और आज एक ये नई सौगात भी देंगे। सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है, और आप हमारे ठीक बगल भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कई पंडाल बनाए गए हैं, कई मंच बने हैं जहाँ पर लोग यहाँ बैठेंगे, और तकरीबन 2 घंटों तक का ये कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे, और 2 घंटे के बाद वो यहाँ से चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे जहाँ वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में आज प्रयागराज के लिए आज काफी बड़ा दिन है, और एक बार फिर से इतिहास के पन्नों पर आज का दिन दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आज एक और नया कीर्तिमान भी जुड़ जाएगा। ऐसे में सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि वो जल्द से जल्द संगम शहर प्रयागराज पहुंचे। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। और इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।